वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। आज फाइनली वो दिन आ गया, 3.5 साल बाद हम जा रहे हैं इंडिया और ट्रैवलर्स हैं सिर्फ अर्जुन और मैं। हम निकल रहे हैं सॉल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट से। हमारी फ़्लाइट 7:30 बजे की थी तो हम सुबह 6 बजे निकल गए थे घर से। ये है सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अभी रिसेंटली नया बना है और बहुत बड़ा है, तो अगर आप लेट नहीं होना चाहते हैं तो आप टाइम से पहुंचिए, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। स्पेशली अगर आपका गेट दूर वाले कोई गेट में से एक है तो बहुत चलना पड़ेगा। एटलीस्ट 20 मिनट तो कहीं नहीं गए चलते चलते अपने गेट तक पहुंचने के लिए। हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट तो लग ही गए पहुंचने में। लाइंस भी काफ़ी लंबी थी, बट एक बात है कि आजकल US में आई थिंक किसी भी एयरपोर्ट पे मास्क की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मास्क मैंडेट हटा दिया है, चाहे आप एयरपोर्ट पे हैं चाहे आप किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हैं, तो अब मास्क मैंडेट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बॉस्टन। हम बॉस्टन से आगे पेरिस जाएंगे और फिर पेरिस से आगे दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, लेट्स सी हाउ इट गोस। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि फ़्लाइट्स सब फुल थी, मतलब एक भी सीट कहीं अवेलेबल नहीं थी, चाहे यहाँ से बॉस्टन की थी या बॉस्टन से पेरिस से थी या पेरिस की दिल्ली से थी, बिल्कुल फुल, एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी। कि आप सोचते हैं कि अगर थोड़ी सीट्स खाली हो तो आप खुले होके निकलें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब फुल था बिल्कुल ही। आई गेस कोविड के बाद फाइनली लोगों ने घर से अब निकलना शुरू किया है तो काफ़ी क्राउडेड है। अगर आप प्लान भी करते हैं कहीं जाने का तो एडवांस में प्लान करिए। मैंने ये टिकट्स आई थिंक 3 महीने पहले शायद बुक करा ली थी तो मुझे सीट्स मिल गई, वरना अगर मैं लास्ट मिनट कराती तो काफ़ी मुश्किल होती। ज़्यादातर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में सिर्फ स्नैक्स होते हैं, छोटे छोटे स्नैक पैकेट्स होते हैं, प्रेट्ज़ल्स या आमंड्स या कुकीज़, और साथ में आपको सोडा, चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर छोटी फ़्लाइट होगी तो एक बार मिलेगी, अगर लंबी फ़्लाइट होगी तो मोस्ट लाइकली 2 बार मिलेगी। इस फ़्लाइट में हमें 2 बार स्नैक्स मिले और हमने 2 बार ड्रिंक्स पिए। अगर आप पे करते हैं तो आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी परचेस कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब इंक्लूडेड होता है। सच बोलूं तो मुझे बॉस्टन एयरपोर्ट ज़रा भी पसंद नहीं आया। मुझे हर जगह गंदगी दिख रही थी, सीट्स भी गंदी गंदी थी, बाथरूम्स भी गंदे थे, स्मेली थे, और उन्होंने फालतू में मुझे रोक लिया। मैंने ये सुवेनियर एयरपोर्ट से ही ख़रीदा था और ये इसके लिए इन्होंने मुझे रोक लिया। खाने के लिए लकीली हमें पिज़्ज़ा मिल गया जो हम दोनों खा लेते हैं और ठीक ठाक था, पर अच्छा हुआ हमने खा लिया क्योंकि फ़्लाइट का खाना तो बहुत ही बकवास होता है। और इस एयरपोर्ट में ठीक से कुछ साइंस भी नहीं है, आपको कहाँ पहुँचना है, कौन सा टर्मिनल है, इतना बड़ा भूल भुलैया था ये। पूछ पूछ के हम लोग फाइनली अपने टर्मिनल पे पहुँचे और मुझे वो सीट्स भी इतनी गंदी लग रही थी, मैं बार बार हमारे हाथ सैनिटाइज ही करवा रही थी कि पता नहीं कौन बैठा होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा सफाई नहीं रखी हुई। पता नहीं शायद बहुत पुराना एयरपोर्ट है क्या है, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये फ़्लाइट प्रिटी मच एक डोमेस्टिक फ़्लाइट ही थी जो इंटरनेशनली जा रही थी। मूवी सिलेक्शन भी वही सेम थे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में थे, तो कुछ इतना मुझे स्पेशल नहीं लगा। इन्होंने एक आई मास्क दिया था, साथ में ईयरप्लग्स दिए थे, बट दैट्स प्रिटी मच इट। हम अपने ट्रैवल पिलोज़ और ट्रैवल ब्लैंकीज भी लेके आए थे क्योंकि इनके पिलोज़ तो ना के बराबर ही होते हैं, बट आई एम सो ग्लैड मैं लेके आई थी अपने साथ, नहीं तो बहुत अनकम्फर्टेबल फ़्लाइट हो जाती। डिनर में मैंने वेजिटेरियन लिया था और क्योंकि इन फ़्लाइट्स में आपको हिंदू वेजिटेरियन का ऑप्शन नहीं होता, तो जो भी वेजिटेरियन ये लोग देते हैं हमने वही ऑप्शन चूज़ कर लिया था। तो एक ओर्ज़ो टाइप कोई पास्ता सैलड था, साथ में एक पोलेंटा की कोई डिश थी जिसके अंदर वेजिटेबल्स थे, और साथ में इन्होंने एक वाइट चॉकलेट मूस दिया था डिज़र्ट के लिए। आई मीन इट वॉज़न्ट बैड, ठीक ठाक था, बट अगर आप
हिंदुस्तानी पसंद करते हैं तो आपको शायद ये खाना बिल्कुल पसंद ना आए। अर्जुन के लिए तो मैं काफ़ी कुछ घर से ही पैक करके लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था वो ये सब नहीं खाएगा। तो बेस्ट यही ऑप्शन है कि अगर आपको दूसरे टाइप के खाने पसंद नहीं है तो आप अपने घर से पैक करके लेके आए सामान, ताकि आपको इतनी लंबी फ्लाइट में प्रॉब्लम ना हो। फ़्लाइट्स जनरली काफ़ी ड्राई होती हैं तो आप खूब सारा मॉइस्चराइज़र पैक करके लेके आएँ, क्योंकि आपके हाथ आपके पाँव फटने शुरू हो जाएंगे ड्राइनेस की वजह से। तो मैं तो मास्क लेके आई थी और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे हाथों में और पैरों में। मॉइस्चराइज़ तो करिए बट साथ साथ में आप खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि फ़्लाइट्स रेगिस्तान के बराबर होती हैं और ये एकदम ड्राई कर देती हैं आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को, तो पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह हुई और हमें उन्होंने ब्रेकफास्ट में दिया एग एंड चीज़ सैंडविच, जो अच्छा था और अर्जुन ने भी खुश होकर खा लिया, तो वो मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात थी। साथ में स्टारबक्स की कॉफ़ी भी थी और सुबह सुबह मैंने ऑफिस देखा टीवी पे, बेस्ट शो एवर। और जब मैंने साइड में मुड़ के देखा तो कोई और भी ऑफिस देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। डेल्टा वालों ने बच्चों के लिए पज़ल बुक्स और क्रेयॉन्स वगैरह दिए थे टाइम पास करने के लिए, तो अर्जुन को तो काफ़ी मज़ा आया, ऐसी चीज़ें करने में खुश रहता है, सुडोकू खेलता है वो, तो उसका टाइम पास अच्छा हो गया। फाइनली 7 घंटे बाद हम पहुंचने वाले हैं अब पेरिस। पेरिस एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा था, इस एयरपोर्ट का नाम है शार्ल द गॉल और यहाँ पे एटलीस्ट इट वाज क्लीन और इन्होंने मार्क सही किया हुआ था, तो हम एटलीस्ट गुम नहीं हुए, यहाँ पे सही सही पहुँच गए अपने टर्मिनल, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और क्योंकि हम यहाँ सुबह सुबह पहुँचे थे तो यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स खुली भी नहीं थी, कैफ़ेज़ भी कुछ खास खुले नहीं थे, थोड़े बहुत खुले भी थे बट कुछ लेने का मन नहीं था, हम वैसे ही इतने थके हुए थे इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद। अब हमारा एक्चुअली यूटा के हिसाब से सोने का टाइम भी होने वाला था, तो ऐसे लग रहा था कि बस अब अगली फ़्लाइट में बैठें और सो जाएं। तो अब हमने बस यहाँ टर्मिनल पे वेट किया, 2 घंटे वेट था हमारा यहाँ पे। प्लेन तक पहुँचते पहुँचते अर्जुन की बस हो चुकी थी, उसको लग रहा था मैं कब बैठूँ और कब सो जाऊँ, और सच बात यह है कि वो बैठते ही आउट था बिल्कुल ही, प्लेन उड़ने से पहले ही सो चुका था वो। ये है हमारी आखिरी फ्लाइट, इसके बाद बस अब दिल्ली दूर नहीं। इस फ्लाइट पे वेजिटेरियन मील के 2 ऑप्शन थे, या तो आप इंडियन वेजिटेरियन ले सकते थे या फ्रेंच वेजिटेरियन ले सकते थे। इंडियन वेजिटेरियन देख के मुझे ऐसे लगा कि ये तो एसिडिटी की दुकान है, तो मैंने फ्रेंच वेजिटेरियन लिया जिसमें एक सैलड था लेंटल्स वाला और एक कुसकुस था मेन कोर्स में, और बिल्कुल सिंपल थे तो ये खा के मुझे पेट में भी कोई इशू नहीं हुई। साथ में चॉकलेट केक था, ब्रेड थी और चीज़ थी। अर्जुन इस पूरी फ़्लाइट में सोता आया, वो 1 मिनट भी नहीं उठा। लैंड होने से 1 घंटा पहले इन्होंने हमें एक स्नैक बैग दिया जिसके अंदर योगर्ट था, एक पेस्ट्री थी जो आई थिंक वेजिटेबल्स से भरी हुई थी, वेजिटेबल पफ पेस्ट्री टाइप कुछ था, साथ में इसके अंदर नट्स थे ट्रेल मिक्स टाइप। बट अब इस टाइम पे कुछ खास भूख भी नहीं थी, एक्चुअली बहुत नींद आ रही थी इस टाइम। तो मुझे ये फ़्लाइट ट्रैकर देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, पता नहीं क्या गोल घुमा के दिल्ली पहुंच रहे थे हम। 9 घंटे बाद फाइनली अब हम लैंड होने वाले थे, ये
और हमारा एक बैग गुम हो गया। क्या किस्मत है, 30 घंटे बाद अब हम घर पहुंचे हैं और अब हमें लग रहा है कि कैसे बिस्तर मिले और हम पड़ जाएं। एनीवेज अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।